सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन किसानों की कई मांगे अभी भी अधूरी है। सरकार ने जो किसानों से वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान मोदी सरकार से खासा नाराज है। किसानों के समर्थन में एक बार फिर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से खड़ा हो जाएगा। किसानों ने पहले ही केंद्र सरकार को चेताया था कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। किसानों को उनका हक बातचीत से नहीं मिला तो वो लड़कर लेंगे, और लड़ाई से भी नहीं मिला तो हिंसा से लेंगे। किसानों को दबाकर नहीं रखा जा सकता, किसान अपना हक लेना जानते हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने राज्यपाल रहते हुए 6 बार अधिक तबादले किए जाने की बात करते हुए ये साफ संदेश दे दिया कि वो किसी से भी नहीं डरते हैं। मोदी सरकार को मलिक ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसानों के बारे में बोलते हुए संदेह रहता है कि कहीं दिल्ली से फोन न आ जाए, मैं किसानों के साथ हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। मैं राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज को एकजुट करने का काम करूंगा। मैं किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए अपना पद खो सकता हूं, लेकिन अपनी आवाज उठाना या राज्यपाल का पद जाने से नहीं डरता। मैं दिल्ली में 1.5 कमरे के घर में रहता हूं, इसलिए मैं किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। मलिक ने केंद्र सरकार को किसानों से किए गए सभी वादे को पूरा करने की नसीहत दी है। मलिक ने अपनी बातों में साफ साफ कह दिया है कि वो किसानों के लिए अपनी सरकार से भी बगावत करने को तैयार है। उन्हें किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन वो किसानों का हक उन्हें दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए मलिक को अपना राज्यपाल का पद ही क्यों ना खोना पड़े। साथ ही सत्यपाल मलिक का सरकार को साफ साफ संकेत है कि किसानों से कोई सरकार नहीं जीत सकती, इसलिए सरकार को किसानों की मांग मानना ही होगा।